तो दोस्तों आज मैं आया हूँ दोबारा शालीन मार्केट। कल क्या है, एक्चुअली मैं यार पूरा घूम नहीं पाया था और कल किसी फ्रेंड का फ़ोन भी आ गया था तो मैं यहाँ से फटाफट निकल गया था। तो आज वापस मैं हूँ शालीन मार्केट और बस टाइम हुआ है तकरीबन 6:30 15 7। और देखिए मार्केट अभी लग रहा है शुरू हुआ है और अभी बहुत शानदार बारिश हुई है। तो बस देखिए ये अब सब नज़ारा, जस्ट बारिश के साथ बाद का नज़ारा है। पूरा शालीन मार्केट धुला हुआ नहाया हुआ सा है और दुकानें बस अब लगने को हैं, कुछ लग चुकी हैं कुछ तैयारी पे हैं। ये देखिए से बंद है, ये लगने को हैं अभी। और अभी इतना क्राउड नहीं है यहाँ पे, तो जैसे जैसे रात जवान होगी यहाँ क्राउड भी भयंकर आ जाएगा। और ये पूरा इलाका यूनिवर्सिटी का इलाका है, यहाँ पे ताइवान यूनिवर्सिटी और कुछ साइंस की यूनिवर्सिटीज़ भी इसके आसपास के एरिया में हैं। तो बहुत क्राउडेड एरिया है ये, और ताइवान का एक बहुत फेमस नामचीन एक ये मार्केट है, नाइट मार्केट या सबसे बोल उसे बोलते हैं ओपन मार्केट। ये रात को क्या मतलब शाम को लगभग 5:30 6 बजे से लगना शुरू होता है, जो ये रात लेट नाइट तक तो चलता है। पूरे एरिया में मुझे ये सड़े हुए टोफू है ना, स्टिकी टोफू की इतनी गंदी बदबू आ रही है और जिसका मतलब चलना मतलब दुर्भर हो रहा है। और ये लोग यहाँ इसको इतना चाप से खाते हैं ना स्टिकी टोफू को, भाई मतलब ये इस स्टिकी टोफू को इंटेंशनली इतना बदबूदार बनाते हैं ना, तो मतलब ये इनकी स्पेशलिटी कह सकते हो आप। ये मतलब इतनी बदबू आएगी आप खाने की हिम्मत नहीं करोगे, लेकिन यहाँ के लोग उसको बहुत इंटरेस्ट से बहुत चाव से बहुत शौक से खाते हैं। अरे वे तो बस मेट्रो से उतरा मैं और मेट्रो से तकरीबन 200 300 मीटर की दूरी पे होगा ये शालीन मार्केट। तो बस अब मैं आ चुका हूँ मेन शालीन मार्केट के अंदर। बारिश रुक चुकी है, लोगों का आना यहाँ शुरू हो चुका है और देखिए ये गोरी गोरी छोटी छोटी सुंदरियाँ भी आ चुकी हैं। मतलब आपका यहाँ मन लगा रहेगा, आपको मतलब हर एज के लिए यहाँ पे हर कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सुपर स्टोर की चेन है तो उसको देख लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ लेना नहीं है। बस मुझे कुछ यहाँ पे ताइवान का फ्लैग एक सुविधा के लिए चाहिए था, तो मैं उसके उसको वह फाइंड आउट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मतलब नहीं मिला और जो मिला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मुझे नहीं चाहिए। मेरा क्या है ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ जिस कंट्री में जाता हूँ तो वहाँ से मैं एक सुवीनियर एक फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेके आता हूँ, जहाँ वो जो हमें अपने कमरे में इसको लगाता हूँ। यहाँ काफ़ी कुछ है लेकिन मुझे मैग्नेट नहीं मिला, फ्रिज मैग्नेट नहीं मिला मेरे को। और बहुत बड़ा मतलब ये स्टोर है इनका, देखो आप। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चड्डी से लेके चश्मा, सुवीनियर गिफ्ट आइटम, बर्थडे पार्टी के लिए आपको मिल जाएंगे हर चीज़ आपको यहाँ पे। ये कानों में पहने के आर्टिफिशियल ज्वेलरी स्टड, मतलब बहुत कुछ है। ताइवान चाइना के कंपटीटिव काफ़ी कॉस्टली है, हालांकि सामान यहाँ सारा चाइना से आता है लेकिन चाइना के कंपटीटिव ताइवान बहुत कॉस्टली है। ट्रांसपोर्टेशन में, मोबाइल में, सामान में, मतलब ताइवान कॉस्टली है, चाइना बहुत चीपर था। तो बस मैं मैसेजर से एक रैंडम सा एक चक्कर लगा रहा हूँ, कुछ अपने सरसरी आंखों से देख रहा हूँ, कुछ मुझे लेने के लिए मिल जाए, कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों की माँ के लिए, कुछ पड़ोसन के लिए जस्ट जॉकिंग। तो बस हालांकि कुछ मिला नहीं मेरे को यहाँ पे, हाउस होल्ड का सामान काफ़ी दिख रहा है। यहाँ पे एक मेरे को चड्डी दिखी लाल कलर की, लेकिन यार साइज की नहीं थी, वो चड्डी बड़ी पसंद आई मेरे को। बाकी यहाँ हर चीज़ आपको मतलब क्या चाहिए ना, दिमाग में आपको याद करोगे ये चीज़ चाहिए मेरे को, वो आपको यहाँ मिलेगी। स्टेशनरी हर आइटम आप यहाँ पे है, होजरी का, लेडीज जेंट्स बच्चे बच्चे किचन किचन। सारा कुछ अड़ंगा यहाँ मिल जाएगा। एनीवे वहाँ बहुत ज़्यादा सफ क्वेश्चन था और मुझे चड्डी नहीं मिली तो मैं वापस आ गया ऊपर। ये है मेन मार्केट शालीन का और बस जस्ट मैं एक रैंडम सा चक्कर निकाल रहा हूँ यहाँ पे। और ये भी पूरा मार्केट अगेन मोबाइल ओरिएंटेड है,
मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल कवर, आईपॉड है, और पावर बैंक, ईयरपॉड, ईयरफोन, मतलब टोटल मार्केट इसी को है। ये अगेन गेमिंग का है ये, अब यहाँ आओ गेम खेलो, खाने पीने का, कॉस्मेटिक, आपके क्लोथ, एक्सेसरीज, यहाँ आपको हर चीज़ मिलेगी। और सबसे सबसे अच्छा यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत शानदार है, आप लेट नाइट तक यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखो ये भी बहुत अच्छी यूनिक चीज़ है, ये मैंने काफ़ी जगह देखी है ताइवान में। ये बस एक ये जो होता है ना वायर, उस कलरफुल वायर को मतलब घुमा घुमा के देखो उन्होंने कितना अच्छा अच्छा ये टैंक, स्कॉर्पियो, काफ़ी कुछ बनाया यार। ठीक है प्राइस ही है, लेकिन यार इसमें इसकी मेहनत जा रही है। एक नाम लिखवाने के लिए आपको 80 ताइवान डॉलर आपको पे करना है, बाकी ये जो है 500 600 1000 तक ये जाता है आगे। ये देखो 580 ताइवान डॉलर का है, लेकिन ये देखो इसमें इसको बहुत टाइम लगा बंद, देखो ये देखो स्कॉर्पियन, तो मतलब चीज़ अच्छी है। और ये पूरा सॉफ्ट वायर है जिसको ये घुमा घुमा के ये सब कुछ बना रहा है, देखो है ना माइंड ब्लोइंग। मैं कह इसको ज़रूर यहाँ दिखाना चाहिए, तो यहाँ लोग लेते भी हैं, लोग आते हैं देखते हैं लेते भी हैं। विकी नाम का पीछे मेरे को भी एक लिखा हुआ, ये देखो ये हाथों सामने बना रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई डिज़ाइन है तो भी ये बंदा वो बना देगा, उसका चार्ज हालांकि कस्टमाइज का डिज़ाइन अलग है लेकिन हो जाएगा। ये 2000 का रोबोट है तो थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन ये देखो ये पूरी इन पूरे कलरफुल वायर से ये बना रहा है बंदा। टैलेंट की कमी नहीं है भैया, कहीं भी जाओ टैलेंट भरा पड़ा है ना। ये 1500 2000 और जितना बड़ा है उसका प्राइस, उस हिसाब से फिर प्राइस और मेहनत दोनों बड़ी है, तो उस हिसाब से प्राइस भी उन्होंने डिसाइड कर रखी है। ताइवान में देखो ऐसा बार्गेनिंग का कोई कल्चर नहीं है, इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं है, फिक्स प्राइजेज हैं। कुछ एक दुकान, कुछ एक मार्केट्स ऐसे पर्टिकुलर है जहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हो, अदरवाइज बार्गेनिंग नहीं है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे, अगर आप शनि आते हैं तो एक बार इसको ज़रूर आप देख लेना एक बार, बहुत सुंदर है और बंदा मेहनती भी है। एक यहाँ देखो ये यहाँ का बहुत अच्छा अट्रैक्शन है, ये जापान में आपको कोरे में मिल जाएगा, ये 3D डिस्प्ले, और जो कि वास्तव में बहुत अच्छा है। और ये यहाँ पे ज़्यादातर क्राउड आपको इसी को देखते हुए नज़र आएगा। यहाँ पे एक छोटा सा टाइगर का एक वीडियो आता है जो वास्तव में बहुत शानदार है। यही वाला भाई सो रहा है, उठ गया, पोटी करेगा, मतलब अच्छा है, मतलब देखने लायक है। लगभग 3 4 मिनट का ये शो होता है, तो आपको यहाँ पे सारे लोग ऊपर से मुंह करके देखते नजर आएंगे। और ये हो गया भाई, इसलिए मार्केट खत्म आ गया। मैं सिलीन के एंड पे उमस से पसीना पसीना हो गया। चलो चलते हैं होटल, करते हैं रेस्ट। तो यहाँ पर भी मुझे बनाना रोटी मिल गई, थाईलैंड के बाद में बनाना रोटी मुझे ये चौथी कंट्री के अंदर मिली है। मिली क्या है, मतलब यहाँ पे भी इसका बहुत क्रेज है, लोग यहाँ लाइन लगा के बनाना रोटी खाते हैं। मैंने चाइना में देखा, चाइना में भी बनाना रोटी बहुत चलती है। ताइवान में मैंने ऑलमोस्ट सभी मार्केट्स में देख लिया बनाना रोटी को। मैंने कोरिया में भी कुछ जगह देखा, और इवन मैंने सिंगापुर में भी कुछ मार्केट्स में बनाना रोटी देखी थी। तो मतलब ठीक है, अच्छा एक क्रेज है। और ये बनाना देखो यार कितने बड़े बड़े और बिना दाग के हैं, है ना, मतलब कितने साफ सुथरे हैं। और ये लोग खुद भी देखो ये बहुत हाइजेनिक है,
मतलब हाथों में ग्लव्स व्स पहन के यार, मतलब ये पूरा काटते हैं ताकि कुछ गंदगी वंदगी ना हो। और खैर कि ये भी पॉइंट है कि इतने ज़्यादा ये प्रिकॉशन रखते हैं इसलिए बीमार भी बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ते हैं। हमारे इंडिया वाले रफ़ एंड टफ़ होते हैं इसीलिए उनका इम्यून पावर भी उस हिसाब से स्ट्रांग है, और ये लोग कुछ ज़्यादा ही हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो इनका इम्यून पावर उतना ही वीक है। ये भी मैंने नोटिस मैंने देखा है। एनीवे तो ये है बनाना रोटी। तो शलीर मार्केट के बाद में मैं जस्ट आ चुका हूँ यार, एक बड़े यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस एक रेस्टोरेंट पे, मॉडर्न टॉयलेट। यूनिक रेस्टोरेंट में आया हूँ, मॉडर्न टॉयलेट पूरा टॉयलेट की थीम पे है। ये देखो स्पॉट पे बैठा हूँ, दिखा रहा हूँ मीनू भी टट्टी की शेप में। देखो आज क्या शाले आया हूँ, आज टॉयलेट ये देखो भाई, हमेशा सुनता है आज देख लो टॉयलेट शेप में, भगवान टॉयलेट यही है। थैंक यू। ये है वाह, थैंक यू। ये देखो भाई बियर नहीं है, बियर जैसा ही है एप्पल साइडर। और ये है पूपू आइसक्रीम, पूपू आइसक्रीम पूपू, ये देखो बना भी रखा है। प्राइस भी ठीक ठाक है यार, कोई सस्ती भी नहीं है कोई महंगी भी नहीं है। कैसे भी खाना मस्त है, आइसक्रीम शानदार, एप्पल साइडर भी शानदार है ये। ये हाथ धोने के लिए सब पतली से धार का सूसू आ रहा है, सो हाथ धोने का है। का बड़ा है, 80 का छोटा है मीडियम, और 70 का उसका छोटा है पुपू। मैंने बड़ा पुपू लिया एक। हर चीज़ पुपू की शेप में है।
अच्छी रिसेल के लिए क्या? पूरा रेस्टोरेंट कुप्पू की शेप में है, खाना बढ़िया था।